Hello dear students, good morning to all of you. I am Shelly, your maths teacher. And students, today our topic is decimal, okay? So आज का हमारा टॉपिक क्या है? डेसिमल है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स डेसिमल्स के गए हैं, उसके अंदर आपने क्या सीखा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं पहले, ओके? सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा होता है? 2.5. अब 2.5 लिखा हुआ है तो मेरे को अगर इसका डेसिमल हटाना है और या फिर 1562 है उसको डिवाइड करना है 100 से और डेसिमल लगाना है तो कैसे करेंगे? पहले ये वाला सम बताओ कैसे करोगे इसे. क्या लिखा हुआ है? 1562. क्या राइट किया हुआ है? 1562. तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? यस बताओ, पहले एग्जैक्ट लिखो. लिख दिया 1562 लिख दिया. नीचे कितनी जीरोस है बच्चे? यस 20. तो 2 डिजिट काउंट करो लेफ्ट यहाँ से ओके इस पोजीशन से काउंट करके आपने इस डायरेक्शन में आना है. तो यहाँ पर काउंट करो 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट आप काउंट करो 1 2 और क्या लगा दोगे? डेसिमल. ओके और इसका नेम क्या है? अगर नंबर बोलूंगी पहले वाले को कंप्लीट बोलते हैं 1515. यस तो ये क्या बन जाएगा? 15. ओके फिर बीच वाले को क्या बोलते हैं? पॉइंट. अब डेसिमल के बाद क्या बोलेंगे? कंप्लीटली डिफरेंट जो डिजिट का नंबर डिजिट नेम है 6 डिजिट तो ये 6 नेक्स्ट 2. ओके तो ये क्या बन गया? 15.62. ये आपका नंबर नेम हो गया. ओके सो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर बच्चे ये 2.5 है, डेसिमल रिमूव करना बताया था, कैसे लिखेंगे? डेसिमल हटा देंगे. क्या करेंगे? 2.5 के नीचे यस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1. तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? सिंगल जीरो. ओके तो ये हमारी क्या थी? इनको थी किसके रिगार्डिंग? जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया है. क्या किया है? डेसिमल रिमूव करना, डेसिमल को लगाना यहाँ पर और नंबर का नेम राइट करना. तो ये नंबर मैंने करा तो ये बन गया 15.62. डेसिमल से पहले कंप्लीट नंबर नेम, आफ्टर डेसिमल डिजिट नेम. ओके तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. अब आगे करते हैं. यस ओपन करो एक्सरसाइज 5.2, जल्दी से ओपन करो. यस यस एक्सरसाइज 5.2 क्या करना है? दिस इज योर पेज नंबर 65. ए पार्ट क्या लिखा हुआ उसमें? राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके कैसे राइट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में? तो फर्स्ट क्या है? 76.32. जस्ट कहां डेसिमल लगे? यहां 76.32. पहले तो ऐसे करो, आप मेरे को नेम भी बताओ. कंप्लीट नंबर नेम क्या है? 76. यस तो क्या लिखेंगे? 76. बीच में पॉइंट. फिर डिजिट नेम क्या है? 3 और 2. तो ये क्या बन जाएगा? 3 2. तो ये क्या बन गया? 76.32. ओके अब इसका अगर मैं डेसिमल रिमूव करती हूँ 7632 डेसिमल रिमूव करा तो 1 1 के साथ कितनी जीरोस आ जाएंगी? जितने आफ्टर डेसिमल क्या है? डिजिट है. तो कितने डिजिट है यहाँ पर? 2. तो कितनी जीरोस आ जाएंगी? 20. ओके तो ऐसे आपने सभी नंबर को एक्सपेंड करना है. मैं आपको आप सेकंड करके दिखाओ क्या लिखा हुआ है. 182.7 इनका नेम लिखो, नेम के बाद मेरे को बताओ कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, फिर मैं आंसर मैच करूंगी आपके साथ. ओके यस जल्दी से क्या आएगा? डेसिमल रिमूव करोगे तो 1827 बाय डेसिमल रिमूव करा तो 1 के साथ कितनी जीरोस आ जाएंगी? ओनली 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंगल डिजिट है. ओके तो 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा? ओनली 10 आ जाएगी. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो. अब इसका नेम नेम देखो, नेम कैसे लिखेंगे?
ये क्या है, कंप्लीट डिजिट से पॉइंट से पहले हम क्या करते हैं, नंबर नेम राइट करते हैं। तो पॉइंट से पहले क्या है, 182, यस। तो ये क्या बनेगा, 182, फिर पॉइंट साथ में क्या आ जाएगा, 7, ओके। सो ये क्या बन गया, 182, ये कंप्लीट टर्म, फिर बीच में पॉइंट लगा दिया, देन 7 लिख दिया, वो क्या आ जाएगा, डिजिट नेम, ओके बच्चों। तो ये हमारा हुआ फिनिश। अब बात करते हैं बी पार्ट की, यस। बी पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, देखो, राइट द डेसिमल नंबर फॉर द फॉलोइंग, डेसिमल नंबर फॉर द फॉलोइंग, नंबर क्या है, 4 + 6/10, यस। तो आपने क्या लिखना है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो, ये 4 एज इट इज प्लस एज इट इज, 6/10 को कैसे लिख सकते हो, यस, 6 लिखो और कितनी जीरो है नीचे, 1 0, तो 1 0 यानी कितने बार पॉइंट लगा देंगे हम, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अब 0.6 लिख दो चाहे आप 0.6 लिख दो, एक ही बात है, तो प्लस में क्या आ गया, 0.6, दिस इज योर आंसर, ओके बच्चों। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपने इसे ऐसी फॉर्म में लिखना है। आगे बताओ कैसे करोगे, गैस बी पार्ट में आगे मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। क्या चीज लिखी है, 7 + 5/10 + 6/100, यस। तो कैसे राइट करोगे बच्चों इसको, 7 एज इट इज क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, फिर प्लस, अब 5/10, 5/10 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 6/10 को लिखा 0.6, तो 5/10 में क्या आ जाएगा, 0.5, तो यहाँ पे लिख दो 0.5, और 6/100 है तो उसे क्या लिखेंगे, यस, कितनी जीरोज है यहाँ पर, 2, और डिजिट क्या, ओनली 1, तो हमें कितने डिजिट चाहिए यहाँ पे, 2, तो कंप्लीट करने के लिए क्या लगा देंगे, 0, सिखाया था कि अब नीचे कितनी जीरोज है, 2 zeros, और डिजिट ओनली 1 है, तो आप कंप्लीट करने के लिए 1 0 लगा दोगे और साथ में पॉइंट। अब क्या हुआ, कितनी जीरोज है यहाँ, 2 zeros, और यहाँ पे कितने डिजिट आ गए, 2 ही डिजिट आ गए, ओके। और इसे क्या लिख सकते हैं, 0.06, तो आप प्लस में लिख दो 0.06, दिस इज योर आंसर, ओके। अब एक क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाओगे, यस, कॉपी पेन हाथ में लो, आपको मैंने बताया है कॉपी पेन अपने हाथ में रखनी है, जब भी मैथ करना है साथ साथ वीडियो में साथ साथ मैथ करना है, ओके, यस, क्योंकि कुछ सम तो एक्सरसाइज के आपके हो ही जाते हैं, राइट। आप मेरे को थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओगे, 16 + 2/10 + 5/1000, यस, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, डू फास्ट। यस, करते जाओ, फिर मैच करना मेरे साथ। यस यस, डू फास्ट। तो क्या आएगा आपका, 16 2/10 को क्या लिखेंगे, 0.2, और 5/1000 को क्या लिखेंगे, 0.005, राइट, क्योंकि ये तो बता देती हूँ, 2/10 तो डायरेक्ट हो गया, 2 है सिंगल 0 है तो आगे पॉइंट लग गया, 5/1000 है 5 लगाया लेकिन के नीचे कितनी जीरोस है, 3 0, तो हमें किसकी चीज की जरूरत होगी, 3 डिजिट की, तो बट यहाँ पे तो 2 एक ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 साथ लगा देंगे, यही चीज की थी हमने, क्या करा था, 5 के साथ क्या लगा देंगे, 2 0s, ताकि यहाँ पे कितने डिजिट हो जाए, 3 digit हो जाए, यस, और आगे क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या हुआ, 0.005, वो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चे, अभी तक आपने बी पार्ट के अंदर ये चीज कर ली,
अब क्या करना है वो चीज सीखो। इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, आप यहाँ तक राइट करते हो इसे, राइट? ये आपका आंसर है। मैं ऊपर सॉल्व करके बताती हूँ, अभी तक जितने सम किए हैं ना उनको सॉल्व कैसे करना है वो चीज देखो। आप किसी नंबर को ऐड करते हो लाइक 1, 2, 6 + 3, 7, तो क्या करते हो 1, 2, 6, 3, 7 + यही चीज करते हो, राइट? अब अगर आपके पास ये आ जाए 1, 2, 6.7 + 3.2, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे ऐड करोगे? पॉइंट पॉइंट वाली टर्म एक तरफ, ये पॉइंट पॉइंट से पहले क्या 2 यहाँ 3 यहाँ, क्लियर? तो आपने इस तरीके से ऐड करना है। अब अगर ये ऐड करना है तो यहाँ पे भी नीचे डेसिमल आएगा बच्चों, 7 + 2 = 9, बाकी कैरी वगैरह वाला सेम प्रोसीजर चलेगा, 6 + 3 = 9, 2 as it is, 1 as it is, दिस इज योर आंसर, क्लियर? डायरेक्ट है, एज इट इज लिखा, बस ये भी 3.2 लिखा, बट पॉइंट वाली जगह पे पॉइंट, पॉइंट से पहले वाले नंबर इस तरफ, पॉइंट के बाद वाले नंबर इस तरफ, ओके? तो ये चीज हुई। अब मैं इसको ऐड करना बताती हूँ, ये चीज देखिए आप, क्या चीज है मेरे पास, 16, तो 16 के आस पास कोई डेसिमल नहीं है, पड़ा रहने दो। नेक्स्ट क्या है, 0.2, तो आप क्या करोगे 0.2 लगा दिया। नेक्स्ट 0.005, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.005, तो अब क्या करेंगे प्लस, ध्यान से देखते जाना, 5 यहां, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो नहीं ऐड करना, 0 यहां कुछ नहीं है तो नहीं ऐड करना, 2 + 0 = 2, डेसिमल की जगह पे डेसिमल, 6 + 0 + 0 = 6, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, दिस इज योर आंसर, क्लियर? क्या चीज करा, डायरेक्ट ऐड कर दिया। अभी आपको मैंने एक और सम करवाया था, राइट, डेसिमल वाला, एक चीज मैं और करके बताती हूँ, यस 4 + 0.6 वाला जो था, यस 4 + 6/10 था, तो उसको हमने 4 + 0.6 लिखा था, तो क्या करेंगे हम 4 as it is 0.6 टर्म एज इट इज ऐड करना है, 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 6 पॉइंट यहां 4 + 0 = 4, दिस इज योर आंसर, ओके? तो स्टूडेंट आपने इस तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है और डेसिमल फॉर्म करनी है, ओके? तो आप आज की आपकी एक्सरसाइज के 5.2 एट पेज नंबर 65 सभी सम आपके हो जाएंगे। अगर ये आपको फिर भी प्लस करने में आपको प्रॉब्लम आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसे एक बार और डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।